गिवन है कि आपके पास दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, देख रहे हैं ये दो पॉइंट मासेस हैं, एक एम और एक कैपिटल एम। ये शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे और रेस्ट पे थे, ये पड़े हुए हैं। और फिर क्या हुआ, इनको छोड़ दिया गया और थोड़ा सा वहाँ पे ले आए जहाँ पर ये एक दूसरे को पुल कर सकते हैं, और वहाँ पर छोड़ दिया। जब उनको वहाँ पर रिलीज़ किया तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। कोई अर्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, और आपस में इनकी क्या हो जाएगी, टक्कर होगी। कभी ना कभी इनके बीच में डिस्टेंस कम 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 होता जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर इनका डिस्टेंस कितना रह गया, डी, और ये मूव कर रहे हैं और पास आएंगे। जब ये डी डिस्टेंस पे आए तो मास एम और कैपिटल एम है, छोटा मास और कैपिटल एम है, तो वेलोसिटी भी डिफरेंट है, छोटा वी और बड़ा वी। तो आपको बताने की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है इनकी, ये क्वेश्चन है, किस रिलेटिव वेलोसिटी से ये हिट करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें पहली चीज़ क्या लगेगी, कितने लोगों को समझ में आता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू तो लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, खुली खुली तो हुई नहीं। एनर्जी कं देखो, आपको तो दो ही चीज़ें आती हैं। पहली, अगर तो बॉडी सर्कल में घूम गई तो आपने बोल देना सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट है, और ना घूमी तो फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का आंसर दें, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे और रेस्ट पे पड़े हुए थे तो इनकी काइनेटिक क्या थी, जीरो। पोटेंशियल भी क्या थी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जीरो। तो फिर टोटल क्या थी, जीरो। अब क्या होगा, डी डिस्टेंस पे इनकी पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय डी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय डी। काइनेटिक क्या है, हाफ छोटा एम वी स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा एम वी स्क्वायर, ताकि टोटल बिकम्स जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक क्या लग गई इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन नंबर वन, ये लग गई इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, ये टर्म राइट साइड पे चली गई। इक्वेशन नंबर वन और टू को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना, स्मॉल वी और कैपिटल वी वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, स्मॉल वी और कैपिटल वी ये निकालनी पड़ेंगी आपको। और फिर क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है, टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड करके रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है और कैसे सॉल्व करना है इसे। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पर ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, हमने वर्क पार में किया हुआ है, ऐसे तीन चार क्वेश्चन वर्क पार के अंदर कैटेगरी में इंक्लूडेड थे। कि आपको एक ये गिवन होगा, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूमते घूमते उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो बताओ उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। याद आ रहा है, किया था ऐसा, कैसे, सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब सेंट्रिपिटल फोर्स एनर्जी कैसे निकलेगी, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो याद करो, हम यू की वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएट करते थे, और मान लो ये फोर्स आ गई, और फोर्स हमेशा नेगेटिव आती थी। नेगेटिव फोर्स क्या शो करती थी, अट्रैक्टिव फोर्स है टूवर्ड सेंटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल क्या है, के बाय आर क्यूब। तो इतनी फोर्स से वो सर्कल में घूम रहा है, और ये फोर्स क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल। आर और आर क्यूब कैंसिल करके एम वी स्क्वायर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर दें, काइनेटिक आ गई, काइनेटिक आ गई। पोटेंशियल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ऐड करके आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। रिपीट कर रहा हूँ, वर्क पर एनर्जी में क्वेश्चन किया हुआ था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ग्रेविटेशन के अंदर भी चार पांच क्वेश्चन इस कैटेगरी के मिलने वाले हैं। बस वो यू चेंज करता रहेगा, तुम डिफ्रेंशिएट करके एफ चेंज करते रहना, और वहां से सेंट्रीपिटल से एम वी स्क्वायर चेंज होती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये करना क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास एम मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, एंड प्लैनेट का मास कैपिटल एम है। एट सम इंस्टेंट इट स्प्लिट्स अप इनटू टू इक्वल मासेस। जो बॉडी घूम रही है ना प्लैनेट के आसपास, वो दो टुकड़ों में टूट गई, एम बाई टू एम बाई टू। अब क्या हुआ, फर्स्ट मास मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर बाई टू। जो पहला पार्टिकल है वो तो आर बाई टू में घूमना शुरू कर दिया उसने, अदर मास थ्री आर बाई टू में घूमना शुरू कर दिया।
ये अच्छे भले किस में घूम रहे थे, आर रेडियस में, पहले ही आर रेडियस में थे। दो टुकड़े हो गए, एक दोनों ने वो ऑर्बिट छोड़ दिया, एक घूम रहा है किस में, आर बाई टू में, दूसरा घूम रहा है किस में, थ्री आर बाई टू में। तो फाइंड इनिशियल एंड फाइनल टोटल एनर्जीज क्या होंगी, ये क्वेश्चन है। हाँ वो तो हो गई, टूटने के बाद कैसे, देखो तुम पहले ना इस, देखो ये तो तुम्हें पता लग ही चुका है कितने रेडियस में घूम रहे हैं, तुम्हें ये पता लग चुका है इनके मासेस के हैं, तो क्या फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है, टोटल एनर्जी का कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी में तो जब वो नहीं टूटे थे तो वो कितने रेडियस में थे, टू आर रेडियस में थे, आर रेडियस में थे, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी एम एम बाई टू आर, लास्ट टाइम लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सेटेलाइट की, सेटेलाइट की एनर्जीज का कॉन्सेप्ट किया था ना लास्ट टाइम, जिसमें टोटल एनर्जीज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लिखवाया था, तो टोटल लिखवाया था, काइनेटिक लिखवाई थी, पोटेंशियल लिखवाई थी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेटेलाइट की टोटल एनर्जी जो है वो माइनस जी एम एम बाई टू आर है, और सिर्फ सेटेलाइट के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी घूमती हुई बॉडी के लिए वैलिड है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इतनी है, फाइनल की बात करें, फाइनल में जो एम बाई टू मास है वो तो आर बाई टू रेडियस में है, और जो दूसरा एम बाई टू है वो थ्री आर बाई टू रेडियस में है, तो टोटल एनर्जी इसका और इसका अलग अलग निकाल लिया, इन्हें ऐड कर लिया, ये आपके पास फाइनल एनर्जी आ गई जब दोनों मासेस अलग अलग हैं। अगर आपको चेंज निकालना है तो फिर दोनों को माइनस करके जो पूछा निकाल लेना, पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है, और ये आता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो याद करना है टोटल एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट जो आपने करना है इसके अंदर क्वेश्चन, देखो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास एम मूविंग अराउंड सन इज एल, ठीक है जी, सन के आसपास प्लैनेट घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम एल है, एरियल वेलोसिटी क्या है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये किस टॉपिक को रेफर करोगे इस क्वेश्चन के लिए। कैपलर्स सेकेंड लॉ का प्रूफ किया था आपने, और तुम मानोगे इसका तो सोल्यूशन भी नहीं करना आपने, प्रूफ के अंदर याद करो एल बाई टू एम आती थी कि एरियल वेलोसिटी, ये चार ऑप्शन में गिवन है, एक मार्क कर देना, एल बाई टू एल याद करो, एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट जब प्रूव करते थे रोटेशन में, फाइनल आंसर एल बाई टू एम आता था, तो यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन की जगह ना आप जो क्वेश्चन, ये सब आपको पी वाई क्यू में मिलने वाले हैं कुछ, ये अच्छा है, ये सही है, इस क्वेश्चन को देखो बस, लॉजिक सोचो क्या लगेगा इसमें। में ये गिवन है दो स्टार्स हैं, कैपिटल एम मासेस सेम है, वो एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, और कितने डिस्टेंस है इनके बीच में, ये डिस्टेंस है, ये क्या इनका घूमने का डायमीटर, रेडियस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और दोनों प्लैनेट्स जो दोनों स्टार्स हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, तो इस डिस्टेंस को हाफ करके तुम्हें आर निकालना पड़ेगा, ये मत यूज कर देना आर, ठीक बोलो।
ये ना इस तरीके से घूम रहे थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये गिवन है, एक ऑब्जेक्ट आया और इनके सेंटर से पास कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें सेंटर में से, इसके सेंटर ऑफ मास पे वी वेलोसिटी देनी है ताकि ये कहाँ चला जाए, इतनी दूर चला जाए, इनफाइनाइट दूर, ताकि ग्रेविटेशनल पुल इनका क्या हो जाए, जीरो, यानी कि मेरे हिसाब से इन्फिनिटी बोलते हैं उससे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, दोनों स्टार्स ना खींच पाए। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है कि क्या करना है? अब क्योंकि वर्ड मिनिमम है, मिनिमम वर्ड का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, क्यों जीरो, क्योंकि तुमने सिर्फ उस पुल से बाहर छोड़ देना है, फेंकने को किसी ने नहीं कहा, क्योंकि तुम तो जितनी मर्जी वेलोसिटी दो, वो तो वी डैश वेलोसिटी से भागता जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसने कहा मिनिमम बस बाहर तक चला जाए, मेरी तरफ से बाहर जाके रुक जाए, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होनी चाहिए, जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन की फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऊपर जाना नीचे आना एनर्जी कंजर्वेशन, तो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, जब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी तो सबसे पहली चीज, यहां पर कितने मासेज हैं, तीन, पर आपको जब यहां पे, जब ये मास यहां पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर, इन दोनों की, फिर उन दोनों की क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर, फिर कैपिटल कैपिटल एम और कैपिटल एम की भी होगी, पर रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने क्या करना कि कैपिटल एम का क्या वर्क डन है, वो तो मैंने मूव करवाना ही नहीं है, वो तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए तुम इनकी एनर्जी मत लेना, इन दोनों की एनर्जी मत लेना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक। और इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर ऐसा नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, ऐसे सही, आप मुझे ये बताएं कि कैपिटल एम ने यहां पे कितना पोटेंशियल लगाया, वी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर लगाया, ओ सॉरी, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, क्लियर है? इस कैपिटल एम ने यहां पर कितना पोटेंशियल लगाया सेम, और मैंने कितने मास को रखना है एम, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर करने के लिए, एम इंटू वी, याद है, मास इनटू पोटेंशियल। तो आप ऐसे करोगे तो भी आपके पास यही कुछ आएगा। चलो इन एनी केस मैंने बता दिया, ये ज़्यादा बेटर है, एम और एम की एनर्जी लें, एम और एम की लें, बाकी मत लें, क्योंकि बाकी दो स्टार को आप किसी पोजीशन चेंज भी नहीं कर रहे हैं। और आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, कौन सी, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, ताकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी क्या हो जाए, जीरो, और काइनेटिक भी क्या हो जाए, जीरो। इसे इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके वी निकाल लेना, आंसर वहाँ कर लेना, एक में कन्वर्ट कर दी, वो रूल तो वही है, एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कुछ, क्लियर है, जैसे एस्केप फिलोसफी में करते थे ऐसे ही कुछ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब मैंने वो वेलोसिटी दी ना वहां पे उसे, तो यहां पे एनर्जी काइनेटिक भी है, यहां पर पोटेंशियल भी है, या ऐसा कर दो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट, ये ज्यादा बेटर है, इनफाइनाइट पे जीरो, और इस पॉइंट पर काइनेटिक मैंने दी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल तो उनके पास थी, तो टोटल सम इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया इसने, और ये तो कमाल है यार, इसका आंसर बोलो क्या है, और है एक लाइन का, हमने एलिप्स में नहीं किया ना, ये एलिप्स में है, मैं हिंट दे देता हूँ, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट लगेगी इसमें, टाइम की रेशियो निकालनी है।
देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये प्लैनेट किस में घूम रहा है, इलिप्स में। सन कहाँ पर है? सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं है, सन यहाँ पर है, ठीक थ्री है। तो सन फोकस पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सी ए और एस है, जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया 1/4 दैट ऑफ एलिप्स है, गिवन है। ये भी ट्राइंगल का एरिया 1/4 ऑफ एलिप्स है, क्लियर है। अब आपको ये निकालना है कि कोई भी बॉडी कहाँ से कहाँ जाएगी। वो कह रहे हैं मुझे टाइम निकालना है टू कवर डिस्टेंस ए बी सी, ए से लेके बी से लेके सी तक प्लैनेट गया, और फिर सी से लेके डी से लेके ए तक प्लैनेट गया। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T1 है, यहाँ से यहाँ आने का टाइम T2 है। कितने लोग ये मानते हैं कि क्योंकि बराबर डिस्टेंस है लेफ्ट से और राइट से, तो टाइम टेकन दोनों में सेम है? ऐसा ख्याल आता है लोगों को, T1 T2 बराबर ही लग रहा है। नहीं लगा? क्यों नहीं लगा तुम्हें? सन के पास जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो फटाफट जाएगा और T1 टाइम बड़ा हो जाएगा। सही है, चलो ये तो बात समझ में आ रही है कि टाइम टेकन दोनों में सेम नहीं है। पहली बात, जब तुम टाइम मेजर करते हो, तुम ये डिस्टेंस मत ले लेना, और ये मत कहना कि इसलिए टाइम डिफरेंट है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड डिफरेंट है ना। एरियल वेलोसिटी लेना। कैपलर ने मना तो दिया था कि अगर तुम ए से लेके सी पे जाते हो तो सन के साथ एरिया स्वेप्ट निकालना होता है, ये पूरे का पूरा एरिया लेना पड़ेगा तुम्हें, इतना एरिया अपॉन टाइम, ये बनेगी एरियल वेलोसिटी, राइट। और जब आप रास्ता चेंज करते हो, सी से डी पे आते हो, तो फिर इतना एरिया लेना पड़ेगा, एरिया स्वेप्ट ये होगा। मानते हैं इस चीज को, एरिया स्वेप्ट यहां पर ज्यादा है, एरिया स्वेप्ट यहां पर कम है, इसलिए यहां पर टाइम ज्यादा है, इसलिए यहां पर टाइम कम है। रूल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर मुझे ये पता है कि एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, यानी कि डी ए प्रोपोर्शनल टू डी टी। मतलब कहने का मतलब, अगर एरिया बड़ा है तो टाइम भी बड़ा है, एरिया छोटा है तो टाइम भी छोटा है। तो करें स्टार्ट। तो ये लो, सबसे पहले टाइम निकालते हैं ए से लेके सी तक का। तो ये टाइम एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पूरे एलिप्स का एरिया ए है तो ये आधा एरिया कितना है? ए बाय टू। और ये वाला एरिया ट्राइंगल का ऑलरेडी गिवन है, कितना? ए बाय फोर। तो टोटल एरिया कवर्ड कितना है? ए बाय टू प्लस ए बाय फोर। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? और अगर मुझे टाइम निकालना है कौन सा, सी से लेके डी से लेके ए तक का, अब मैं ये वाला एरिया लूंगा। टोटल एरिया ये कितना है? ए बाय टू, और ये माइनस करना पड़ेगा ए बाय फोर, तो क्या बनेगा? ए बाय टू माइनस ए बाय फोर इस टाइम टेकन, सॉल्व करके आंसर आएगा 3। तो समझ में आ रहा है कि कैपलर का सेकेंड लॉ उसने कैसे यूज करवाना है। कोई उसने एलिप्स नहीं करवाना, कोई उसने सेंट्रिसिटी नहीं देनी एलिप्स की, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चाहिए, बस बेसिक्स के साथ सॉल्व होगा जो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको कि कैसे करना है इसे?